सीए ने लोकसभा चुनाव वाले दिन रात में क्यों परिणाम जारी करा? इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, जिसके लिए हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। 24 लाख बच्चों में से कुछ ही संस्थानों से जो बच्चे हैं उनके बहुत ज्यादा टॉपर निकलते हैं। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक एबीवीपी ऐसे ही संघर्ष करता रहेगा और छात्रों के साथ खड़ा है। कोचिंग संस्थान में ऐसा क्या है जो उसी संस्थान से टॉपर निकलते हैं? 4 जून को जब से नीट का रिजल्ट देश में आया है तब से जगह जगह पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। शहर दर शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं कि नीट की परीक्षा में इस बार कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। इन लोगों का आरोप है कि एक सेंटर से 30 से 40 बच्चे पास हुए हैं, तो एक सेंटर से इतनी बड़ी तादाद में बच्चे कैसे पास हो सकते हैं? तो मैं इस वक्त मौजूद हूं बरेली में और मेरे पीछे आप देख सकते होंगे कि एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है जो गड़बड़ी हुई है, जो गड़बड़ी हुई पेपर में वो सही तरीके से जांच होना चाहिए। तो मैं इनसे बात करूंगा कि इनकी क्या मांगे हैं और किन मांगों को लेकर आज ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम श्रेयांश वाजपेयी है, महानगर मंत्री हूँ विद्यार्थी परिषद का। क्या मांग है आप लोगों की? हमारा ये मांग है कि एनटीए ने लोकसभा चुनाव वाले दिन रात में एक क्यों परिणाम जारी करा। हम लोग इस विषय की जांच कराना चाहते हैं और किसी एक कोचिंग संस्थान से बहुत सारे टॉपर निकलते हैं। हम ये मांग करना चाहते हैं कि उस कोचिंग संस्थान में ऐसा क्या है जो उसी संस्थान से टॉपर निकलते हैं। और 24 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, 24 लाख बच्चों में से कुछ ही संस्थानों से जो बच्चे हैं उनके बहुत ज़्यादा टॉपर निकलते हैं। कहाँ का है वो कोचिंग सेंटर? वो कोचिंग सेंटर कानपुर का है। कानपुर का है जी। कानपुर शहर के अंदर जो है, करीब कितने बच्चे पास हुए वहाँ से? लगभग वहाँ से अच्छे खासे बच्चे पास हुए हैं, वहाँ से ज़्यादातर बच्चे टॉपर हैं। अच्छा। एक कोचिंग संस्थान से बहुत 20 बच्चे कानपुर से निकले। हाँ। वो जो है बड़ी मात्रा में वो टॉपर से निकले हुए हैं। 720 नंबर आउट मार्क पूरे आए हैं। 720 नंबर का तो पेपर ही होता है। 720 नंबर आए उन बच्चों के, सारे इतने बच्चे? नहीं, उन बच्चे जो टॉपर हैं, जो टॉपर हैं उनके 720 नंबर आए हैं। 720 में 720 नंबर आए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अवनी है, मैं प्रदेश सह मंत्री हूँ, महानगर संगठन मंत्री हूँ। जैसा कि आज हम लोग सड़कों पर उतरे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि जो वहाँ की जो एनटीए जो एजेंसी है, जो छात्रों के भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ उसने जो किया है, तो उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक एबीवीपी ऐसे ही संघर्ष करता रहेगा और छात्रों के साथ खड़ा है। और जिन लोगों ने ये गड़बड़ियाँ की हैं उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सीबीआई जांच हो, ये एबीवीपी की मांग है। तो इससे पहले भी क्या नीट में कभी ऐसी गड़बड़ी देखने को मिली है? जी पहले रही होंगी, लेकिन अभी इस टाइम जो है वो एक बड़ी संख्या में ये गड़बड़ी जो उन्होंने की है, तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो और सीबीआई जांच हो। शायद इस पर 24 लाख अभ्यर्थी बैठे थे परीक्षा में, कितने पास हुए होंगे टोटल? जी उसमें से जो भी स्टूडेंट मतलब पास हुए हैं, और लेकिन जो जिन बच्चों ने अभी हम लोगों के सामने कई घटनाएँ भी आई हैं, तो वो बहुत एक निंदनीय है। क्या है ना, छात्र दिन रात मेहनत करके किसी परीक्षा में बैठता है और उसमें भी अगर क्या है ऐसी घटनाएं आ जाएं कि पेपर लीक हो जाए, कि रिजल्ट में गड़बड़ियां हो जाए, तो ऐसे दोषियों पर कार्रवाई हो, सीबीआई जांच हो, ये एबीवीपी मांग करती है। ठीक है, आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम आनंद कठेरिया है। अच्छा। बरेली महानगर से सहमंत्री हूँ। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में आज छात्र हित की बात करता है और नीट का अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट आया 4 जून को, तो नीट की वो परीक्षा एजेंसी को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई जो पूरा देश, पूरी मीडिया, प्रत्येक बच्चा उस दिन क्या था कि चुनाव परिणाम में व्यस्त थे और उसमें उस दिन क्या एजेंसी को आवश्यकता पड़ी कि उस दिन रिजल्ट जारी करने के लिए, तो इसको लेकर के सीबीआई जांच हो उसकी। और एक कई ऐसे संस्थान हैं वहाँ से जो है टॉपर बच्चे निकले हैं बड़ी मात्रा में, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि 700 नंबर का एग्ज़ाम जो होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि 700 में से 700 एग्ज़ाम वो नंबर आ सके। तो ये विद्यार्थी परिषद मांग करता है कि सीबीआई जांच हो। ये छात्रों ने भरी हुंकार परीक्षा एजेंसी की हो सीबीआई जांच, तो इनका कहने का मकसद यही है कि जिस एजेंसी ने ये पेपर कराया था उसकी जाँच होना चाहिए। भैया क्या नाम है आपका? सुधांशु कुमार नाम भैया। सुधांशु जी, आप लोग जो है आज प्रदर्शन कर रहे हैं इसका? जी एनटीए जो है नेशनल एजेंसी है, उसे
पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए कि जो छात्र हित के खिलाफ जो अन्याय हुआ है उसके लिए हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है न्याय के लिए एकजुट है। कुछ समय पहले अभी इलेक्शन से पहले यूपी पुलिस का भी एग्जाम हुआ था, उसमें भी कुछ हुआ गड़बड़ी वड़बड़ी उसमें भी देखने को मिली थी। बिल्कुल वो बात दूसरी, लेकिन जो जो पूरे देश में हमारे सबसे बड़ी एंटी जो एजेंसी है नीट कराती है, अगर वो पूरे देश के साथ खड़ा करी है, जैसे विगत हमारे पदाधिकारियों ने बताया है कि 720 में 720 नंबर लाना, ये एक तो मतलब टीचर को भी फेल करना ये एक चुनौती है, तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी भई है, जिसके लिए हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये एनटीए जो है इसमें सीबीआई जांच की जाए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब है। आफ्ताब, आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए नीट की परीक्षा को लेके, ठीक है, क्या सरकार से मांग करते हैं? ये कहते हैं सीबीआई की जांच हो और भारी मात्रा में जो पास हुए एक ही कोचिंग सेंटर के उनके खिलाफ जांच हो, क्योंकि 720 में 720 नंबर आना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं इस वक्त बरेली कॉलेज में मौजूद था, यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांग है, जो छात्रों ने एग्जाम दिया है उनके साथ खुला धोखा हुआ है। करीब इस बार 24 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया था, उन बच्चों के साथ इनका आरोप है, उन बच्चों के साथ धोखा हुआ है। इनका कहने का मकसद यह है कि किस सेंटर से एक ही रैंक से बच्चे पास हुए हैं, तो इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए और यह प्रदर्शन देश भर में देखने को मिल रहा है। देखते रहिए अमृत विचार में था आपके साथ अफजल खान।